नमस्कार मित्रों, आइए सुनते हैं शरद जोशी का क्लासिक व्यंग जीप पर सवार इल्लियां। मैं इल्ली के विषय में कुछ नहीं जानता, कभी परिचय का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। इल्ली से बिल्ली और दिल्ली की तुक मिलाकर एक बच्चों की कविता लिख देने के सिवाय मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पर लोग थे कि इल्ली का जिक्र ऐसे इत्मीनान से करते थे जैसे पड़ोस में रहती हो। मेरे एक मित्र हैं, ज्ञानी हैं, यानी पुरानी पोथियां पढ़े हुए हैं। मित्रों में एकाध मित्र बुद्धिमान भी होना चाहिए, इस नियम को मानकर मैं उनसे मित्रता बनाए हुए हूं। एक बार विद्वता की झोंक में उन्होंने बताया था कि एक नाम एला, कह रहे थे कि अन्य की अधिष्ठात्री देवी हैं एला यानी पृथ्वी। मुझे बात याद रह गई। जब इल्ली लगने की खबरें चली तो मैं सोचने लगा कि इस इला का इल्ली से क्या संबंध। इला अन्न की अधिष्ठात्री देवी हैं और इल्ली अन्न की नष्ठार्थी देवी। धन है ये इल्लियाँ, इसी इला की पुत्रियाँ हैं। अपनी मम्मी मादाम इला की कमाई खाकर अखबारों में पब्लिसिटी लूट रही हैं। मैं अपनी इस इला इल्ली के ज्ञान से प्रभावित हो गया और सोचने लगा कि कोई विचार गोष्ठी हो तो मैं अपने बुद्धि का प्रदर्शन करूं। पर ये कृषि विभाग वाले अपनी गोष्ठी में हमें क्यों बुलाने लगे। इधर मैं अपने ज्ञानी मित्र से इल्ली के विषय में अधिक जानने हेतु मिलने को उतावला होने लगा। मेरी पुत्री ने तभी इल्ली संबंधी अपने ज्ञान का परिचय देते हुए अपना प्राकृतिक विज्ञान भाग 4 देख कर कहा कि इल्ली से तितली बनती है। तितली जो फूलों पर मडराती है, रस पीती उड़ जाती है। मेरे अंतर में एक कवि है जो काफ़ी हूट होने के बाद सुप्त हो गया है। तितली का नाम सुनते ही वह चौंक उठा और इल्ली के समर्थन में भाषण देने लगा कि यह तो बाग की शोभा है। मैंने कहा, अबे गोभी के बिक फूल, तैने कभी अखबार पढ़ा? ये इल्लियाँ चने के खेत खा रही हैं और अगले वर्ष भजिए और बेसन के लड्डू महंगे होने की संभावना है। मूर्ख चुप रहे। कवि चुप क्यों रहने लगा। मैंने दोबारा बुलाने का आश्वासन दिया, तब माइक से हटा। जब अखबारों ने शोर मचाया तो नेताओं ने भी भाषण शुरू किए। यह शायद नेताओं ने भाषण दिए तब अखबारों ने शोर मचाया, पता नहीं पहले क्या हुआ। खैर, सरकार जागी, मंत्री जागे, अफसर जागे, फाइल उदित हुई, बैठकें चहचहाई, नींद में सोए चपरासी कैंटीन की ओर चाय लेने चल पड़ी। वक्तव्यों की झाड़ुएं सड़कों पर फिरने लगी। कार्यकर्ताओं ने पंख फड़फड़ाए और वे गांव की ओर उड़ चले। सुबह हुई, रेंगती हुई रिपोर्टों ने राजधानी को घेर लिया और हड़बड़ा कर आदेश निकले। जीपें गुर्राई, तार तान कर इल्ली का मामला दिल्ली तक गया और ठेठ हिंदी के ठाठ में कार्रवाइयाँ हुई कि खेतों पर हवाई जहाज सन्ना कर दवाइयाँ छिड़कने लगे, हेलीकॉप्टर मडराने लगे। किसान दंग रह गए। फसल बची या नहीं क्या मालूम, पर वोट मजबूत हुए। इस बात को विरोधियों ने भी स्वीकार किया कि अगर ऐसे ही हवाई जहाज खेतों पर हवा छिड़कते रहे तो अपनी जड़ें साफ हो जाएंगी। शहर के आसपास यह होता रहा, पर बंदा अपना 6 पृष्ठ का अखबार 10 पैसों में पढ़ता यहीं बैठा रहा। स्मरण रहे, आलसियों की यथार्थवाद पर पकड़ हमेशा मजबूत रहती है। एक दिन एक कृषि अधिकारी ने कहा, चलो इल्ली उन्मूलन की प्रगति देखने खेतों में चलें, तुम भी बैठो हमारी जीप में। मैंने सोचा, चलो इसी बहाने पता लग जाएगा कि चने के पौधे होते हैं या झाड़, और मैं जीप पर सवार हो गया। रास्ते भर मैं उसके विभाग के अफसरों की बुराइयाँ करता, उसका मनोरंजन करता रहा। कोई 1.5 घंटे बाद हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां चारों तरफ खेत थे। वहां एक छोटा अफसर खड़ा इस बड़े अफसर का इंतज़ार कर रहा था। हम उतर गए। मैंने गौर से देखा, चने के पौधे होते हैं, खेत होते हैं, यानी समधन की घोड़ी कोई गलत नहीं खड़ी थी। वह वहीं खड़ी थी जहां हमारी जीप खड़ी थी। चारों ओर खेत थे। मैंने एक किसान से पूछा, तुम जब खेतों में खोदते हो तो क्या निकलता है? वह समझा नहीं, फिर बोला, मिट्टी निकलती है। इसका मतलब है प्राचीन काल में भी वहाँ खेत ही थे।
मैंने कहा, मेरी जरा इतिहास में रुचि है। खुदाई करने से इतिहास का पता लगता है। अगर खुदाई करने से नगर निकले तो समझना चाहिए कि वहाँ प्राचीन काल में नगर था। यदि सिर्फ मिट्टी निकले तो समझना चाहिए कि खेत थे। आगे आगे बड़ा अफसर छोटे अफसर से बातें करता जा रहा था। इस खेत में तो इल्लियाँ नहीं हैं, बड़े अफसर ने पूछा। जी नहीं है, छोटा अफसर बोला। कुछ तो नज़र आ रही हैं। जी हाँ, कुछ तो हैं, कुछ तो हमेशा रहती हैं, खास नुकसान नहीं करती। फिर भी खतरा है। खतरा तो है, कभी भी बढ़ सकती हैं। जी हाँ, बढ़ सकती हैं। सुना सारा खेत साफ कर देती हैं। बिल्कुल साफ कर देती हैं। इस खेत पर छिड़काव हो जाना चाहिए। जी हाँ, हो जाना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसा आप फरमाएं, छोटे अफसर ने नम्रता से कहा। फिर वे दोनों चुपचाप चलने लगे। जैसी पोजीशन हो हमें बताना, मैं हुक्म कर दूंगा। मैं जैसी पोजीशन होगी आपके सामने पेश कर दूंगा। और सुनो। जी हुक्म। मुझे चना चाहे, हरा बूट, घर ले जाना है। जीप में रखवा दो। अभी रखवाता हूँ। छोटा अफसर किसान की तरफ लपका। ओए, क्या नाम है तेरा? किसान भागकर पास आया। छोटे अफसर ने उससे घुड़क कर कहा, अबे तेरे खेत में इल्ली हैं? नहीं है हुजूर। अबे थी ना, वो कहाँ गई? हुजूर पता नहीं कहाँ गई। अबे बता, कहाँ गई सब इल्ली? किसान हाथ जोड़ कांपने लगा। उसे लगा इस अपराध में उसका खेत जब्त हो जाएगा। छोटे अफसर ने क्रोध से सारे खेत की ओर देखा और फिर बोला, अच्छा खैर, जरा हरा चना छाँट कर साहब की जीप में रखवा दे। चल जरा जल्दी कर। किसान खेत से चने के पौधे उखाड़ने लगा। छोटा अफसर उसके सिर पर तना खड़ा था। इधर मैं और वह बड़ा अफसर चहलकदमी करते रहे। वह बोला, मुझे खेतों में अच्छा लगता है। यहाँ सचमुच जीवन है, शांति है, सुख है। वह जाने क्या क्या बोलने लगा। उसने मुझे मैथिली शरण गुप्त की ग्राम जीवनी पर लिखी कविता सुनाई, जो उसने कभी आठवीं कक्षा में रटी थी। कहने लगा, मेरे मन में जब यह कविता उठती है, मैं जीप पर सवार हूँ, खेतों में चला आता हूँ। मैं बूट तोड़ते किसान की ओर देखता सोचने लगा। गुप्त जी को क्या पता था कि वे कविता लिखकर क्या नुकसान करवा देंगे। कुछ देर बाद हम लोग जीपों पर सवार हो आगे बढ़ गए। किसान ने हमें जाते देख राहत की सांस ली। जीप में काफ़ी हरा चना ढेर पड़ा था। मैं खाने लगा, वे लोग भी खाने लगे। एकाएक मुझे लगा कि जीप पर तीन इल्लियाँ सवार हैं, जो खेतों की ओर चली जा रही हैं। तीन बड़ी बड़ी इल्लियाँ। सिर्फ तीन ही नहीं, ऐसी हजारों इल्लियाँ हैं, लाखों इल्लियाँ। ये सिर्फ चना ही नहीं खा रही, सब कुछ खाती हैं और निशंक जीपों पर सवार चली जा रही हैं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।